गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। और मुझे ऐसे देख के तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं इतनी ज़्यादा तैयार होके कहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें टाइम दिखा रहा है तो तुम और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। टाइम है सुबह के 6:02, ठीक है। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ सपनों के शहर मुंबई में। क्या करने, कब आएंगे, अकेला जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ लिफ्ट में तुम्हें कोई और देख नहीं रहा, तो वो सब तुम्हें बाहर जाके आराम से बताता हूँ। तो सीन ऐसा है कि भाई मैं निकल रहा हूँ मुंबई, और जो मेरी ये ट्रिप होने वाली है, ये होने वाली है वर्क ट्रिप, नॉट गोइंग फॉर घूमना एंड ऑल, क्योंकि ऑफिस के काम से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, क्लाइंट प्रोजेक्ट पे। कहाँ, क्यों, कैसे, वो सब तो मैं रिवील नहीं करूँगा। हाँ, कैसे तो आई कैन रिवील, बट क्यों आई कांट, तो अब वहाँ जाके तब बताता हूँ। तो यार हम निकल रहे हैं ऑफिस की कैब से, भैया हमें नीचे लेने आ गए थे। तो ये जो कैब आई है ये ऑफिस के एंड से ही आई है, मैंने नहीं करी। और जो डिस्टेंस है ना भाई यहाँ से, वो 3:31 का है विदाउट ट्रैफिक डायरेक्ट। तो पता नहीं हम कब तक पहुँचेंगे, अभी तो रास्ता खाली है, बट बहुत सुंदर रास्ता है यार, अल्टीमेट इतना सुंदर रास्ता है कि क्या बताऊँ। मतलब हम जब लोनावला गए थे, हम दूसरे रास्ते से गए थे, ये कम्प्लीटली दूसरा है और इतना सुंदर है। सारे में तुम्हें दिख रहा होगा, तो पूरा मेरे को ऐसा देहरादून वाली वाइब्स दे रहा है। बाकी बीच में टोल वोल पड़ता है, टोल कटा के फिर आगे निकलेंगे हम लोग। यार बस एक बार ये क्रेजीनेस चेक करो कि इतना सुंदर रास्ता है ना, हर तरफ पेड़ पौधे, वादियाँ टाइप्स, मस्त वाला हाईवे है। फिर बीच में ये आपका एक टनल भी आ जाती है, तो ये तो छोटी दिख रही है मेरे को। हाँ, ये तो छोटी सी टनल है, बट यार मतलब एक्सट्रीम लेवल सुंदर है। जब मैं लोनावला गया था अभी कुछ 2-3 दिन पहले, तब हमें ये वाला रास्ता नहीं पड़ा था। ये रास्ता भी लोनावला ही जाता है, बट दोनों डिफरेंट रास्ते हैं, और ये वाला एक्सट्रीम सुंदर है। मतलब हर जगह पे इतना सुंदर व्यू आ रहा है, इतना सुंदर व्यू आ रहा है, प्लस 5-6 टनल्स हैं यहाँ पे। एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई सपनों के शहर मुंबई में। सामने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ये यही हैं। यार ये मंदिर भी कितना बड़ा है, मतलब ऊपर का पता नहीं गोल्ड है क्या है, ये सब नहीं पता, बट कितना बड़ा है। अच्छा, हम पहुंच चुके हैं गाइज नवी मुंबई। फाइनली नवी मुंबई है आगे पे, पर इतना ट्रैफिक है कि क्या बताऊँ। मतलब मेरे को 10 बजे तक पहुँचना था और अभी तक मैं आधा भी नहीं पहुँचा हूँ। हर जगह जहाँ पे भी देखो ट्रैफिक 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 ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक। वो तुमको सामने बड़ी सी बिल्डिंग देख रही है, मेरे को एग्जैक्टली वहीं जाना है, तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं, बट वहां जाने के लिए भी आगे से रास्ता बंद है, तो हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। एंड यार जितना भी पुराना टाइम का आर्किटेक्चर है ना, ये वाला जैसे घर वाला जो हमें लेफ्ट साइड में दिख रहा है, मेरे को इतना पसंद है ना, मतलब बेस्ट लगता है मेरे को इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। बट यार फाइनली हम लोग दादर एंटर हो चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपने ऑफिस की तरफ। एंड पूरा दिन से ना भाई पूरे ऑफिस में मैं अकेला ही हूँ, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, बस यहाँ पे आया मैं अपना काम कर रहा हूँ तब से जब से। फाइनली ऑफिस का सारा काम पूरा हो गया भाई, मैं निकल चुका हूँ अपने होटल की तरफ जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड था। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था भाई रास्ते। फाइनली होटल पहुँच चुके हैं गाइस, अभी तुमको दिखाता हूँ रूम पे जाके आराम से होटल, ठीक है। ये रिसेप्शन में थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूँ, फिर ऊपर जाके दिखाता हूँ सारा सिस्टम। रूम टूर करवा देता हूँ, रूम पे एंटर हो गया, ठीक है। सबसे पहले ये अपनी आज की कुछ हालत है, पूरा दिन से खुद को दिखाने का मौका मिला नहीं है, शायद सुबह दिखाया था मैंने, ठीक है। अभी तक शूज़ वूज भी नहीं खोले और बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है यार, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, क्या आ रही है क्या होता है। इधर पे अपना वॉशरूम है, ठीक है, एकदम छोटा सा कोजी सा, ओए दिस इज छोटा सा कोजी सा वॉशरूम, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये मैं पूरा का पूरा देख लो, मेरे को पूरा का पूरा मौजूद मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मेरा है जो मेरे ऑब्वियसली किसी काम का नहीं होने वाला है, ठीक है, एक्सेप्ट हैंगर चुराने के, थैंक्स। हर रूम के पास अपना प्राइवेट वाईफाई है, सो दैट स्पीड का कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। यहाँ पे इंडिकॉम वगैरह है, और इसमें किस कई बात के स्विच हैं, नहीं, वेरी नाइस। टेबल में स्विच दे दिए उन्होंने, टेबल के अंदर पाड़े जा रहे हैं यहाँ से। ये अपना एक बेड है, इधर पर चेयर वेयर दे रखे बैठने के लिए, बातें बनाने के लिए एसी वहाँ पर रखा है, बीच में देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा काम वाम करने के लिए, जो मेरे को पूरी रात बैठ के ऑब्वियसली करना है, एक छोटा सा टीवी दे रखा है, ऑब्वियसली जो मेरे किसी काम का नहीं है, वॉट मेरे काम का ही।
सर बढ़िया करके अपने नहा धो लिए आके, और बुशर्ट 80 नहीं लाए थे तो हमारे पास नहीं है बुशर्ट, जिसको नहीं पता भाई टी शर्ट को कहते हैं। बाकी अभी फ्री की चाय बना रहे हैं यहाँ पे। बाकी एक कुछ नया सा देखने को मिला मुझे, ये दूध की जगह इन्होंने रखा है क्रीमर, ठीक है। तो आई हैवेंट यूज्ड दिस बिफोर, तो मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा होगा। मुझे कहा तो मैंने इसको निकाल लिया। ये ले लिया अपनी जिंजर जिंक, दो डाल दिए अपने चीनी के पैकेट। अब ये उबलता है, क्रॉस का डाल देते हैं इस पर। The next morning. तो गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, बैक टू द चैनल। सुबह के बज चुके हैं 11। ऑब्वियसली मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ, बट नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए हैं, नए कपड़े, ठीक है। तो द थिंग इज कि सिर्फ हम लोग फॉर्मल्स पहन सकते हैं। तो ये रहा, अब इसको टक इन करना था नहीं करना था, मतलब मैंने बेल्ट वेल्ट लगा लिया। अगर वो तभी भी बोलेंगे टक इन करने के लिए तो कर लूँगा, अदरवाइज़ ये शॉर्ट टी शर्ट है तो मतलब शॉर्ट शर्ट है तो इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत लग नहीं रही है मेरे को। बाकी ठीक है, कॉम्बिनेशन देख रहे हो, ब्राउन ब्राउन मिला के लाया था मैं घर से, ठीक है। निकल रहे हैं एकदम फुल फ्रेश मस्त रूम में से। हाँ देख लो भाई, कुछ नहीं चुराया मैंने, ठीक है। सिर्फ बोल रहा था मैं, सारे हैंगर यहीं हैं, अगर रात वाले के लिए देखिए। बाकी इस ब्लॉग को मैं उसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कल वाला इस जस्ट ट्रैवल बेस्ड, वैसे आज भी प्रॉबेबली सेम ही होने वाला है, बट आई डोंट हैव मच टू शो क्योंकि मेरे को घूमने का टाइम नहीं मिलेगा। एज आई हैव सेड कि ये बस एक वर्क ट्रिप है, इट इज़ नॉट मेरा पर्सनल ट्रिप। पर्सनल ट्रिप होता तो हम बहुत सारी जगह घूम लेते, बट ठीक है क्या कर सकते। हाँ सेम वैसलिन मैं मुँह पर लगा लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आई एम नॉट वेरी 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 मच हाइजीनिक आदमी, ठीक है। निकल रहे हैं और ऑफिस के लिए, जो यहाँ से चार दिन 2 घंटा लगेगा। कैब करता हूँ, फटाफट एकदम। तो बाहर आके भाई मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा कैब का वेट। वैसे तो यहाँ से ऑफिस पास ही है, बट 2 किलोमीटर के करीब है, बट धूप इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैंने डिसाइड किया है कि कैब ही कर लेता हूँ। कभी धूप से चक्कर खा भी करता हूँ रास्ते में। तो यार अपना पूरा दिन सक्सेसफुली ऑफिस में वेस्ट करने के बाद, नॉट एग्जैक्टली वेस्ट बट हाँ स्पेंड करने के बाद, मैं जा रहा हूँ पुणे वापस। तो कैब जो है वो 1 किलोमीटर अवे दिखा रहा है, तो कैब आ जाती है फिर निकलते हैं वापस। और कुछ ऐसी लोकेशन पर आए थे हम आज, देख लो भाई इस ऑफिस में इस जगह। सर अभी एक छोटा सा ब्रेक है क्योंकि कुछ खाया वाया नहीं था, तो इधर पर रुके हैं कुछ खाने। कैब वाले भैया ने बस कैब वहीं पे लगा दिया, बाकी मैंने दो पी ले ली, 1 for me 1 for him। अकेले पीने से बढ़िया है ना, वो भी पी लेंगे मस्त। 20 रुपये आ लिए नॉट ज़्यादा, बट ठीक है। एक मैं फ्रैंक की रोल लेता हूँ अपने लिए, फिर निकलते हैं। ओला को कोई मतलब ही नहीं है। कौन सा ज़्यादा बढ़िया है, ओला उबर? नहीं आपके लिए पूरा पता रहा कैसा था। हाँ शिवाजी महाराज थे ना, अभी पेशवा एक पदवी थी ना, राष्ट्रप्रधान जो बनाया था ना। जस्ट व्हाट आई एम फाइनली बैक होम। देख लेता हूँ ये लोग हैं यहाँ पे नहीं है।